उन्नीसवीं सदी की इस इमारत का एक बड़ा ही दिलचस्प इतिहास है कौन थी बेगम सुमरू आइए हम जानने समझने की कोशिश करते हैं बेगम सुमरू का बचपन का नाम था फरजाना इनका जन्म 1750 के दशक में एक अरब परिवार में हुआ था इन्होंने अपने शुरुआती साल शाहजहानाबाद में बिताए और जल्द ही चावड़ी बाजार की हवेली में एक मशहूर डांस गर्ल बनकर आए एक दिन 45 वर्षीय ऑस्ट्रियाई भाड़े के एक सैनिक वाल्टर रेनहाइट की नज़र हवेली के सामने से गुजरते एक 14 वर्षीय डांसिंग गल पर पड़ गई ये डांसिंग गर्ल फरजाना थी आना जाना शुरू हो गया दोनों में प्यार हुआ फिर शादी हो गई उन दिनों अंग्रेज़ी सेना मुगलों के विद्रोह को समाप्त करने में ताक़त का इस्तेमाल करने में लगी थी रेनहाइट पटना के कसाई सैनिकों के रूप में जाना जाता था क्योंकि उसने वहां 150 से अधिक अंग्रेजों को मार डाला था फ्रांसीसी सेना के साथ रहने के दौरान रेनहाइट को सोमब्रे उपनाम दिया गया बाद में फरजाना को भी बेगम सोमब्रे अर्थात बेगम समरू नाम से जाना जाने लगा रेनहाइट की मृत्यु के बाद बेगम समरू ने 1781 में रोमन कैथोलिक धर्म अपना लिया और जोआना नोबेलिस्ट नाम अपना लिया बेगम ने सरधना में एक कैथोलिक चर्च का निर्माण कराया जो उत्तर भारत में एकमात्र कैथोलिक चर्च है बेसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ ग्रेसेस जिसे चर्चों के बीच चर्च के रूप में भी जाना जाता है वजिन मैरी को समर्पित है बेगम समरू को भारत में एकमात्र कैथोलिक शासक माना जाता है चर्च के पीछे ही बेगम समरू पैलेस का निर्माण कराया जहां बेगम एक या दो वर्ष ही रहीं बेगम समरू अब सत्ता में और अधिक प्रभावशाली हो गईं। बेगम ने न केवल विदेशी व इंडियन भाड़े के सैनिकों का नेतृत्व किया यहाँ बेगम ने पचपन साल तक शासन किया अठारह के दशक की शुरुआत में अब बेगम समरू एक प्रमुख राजनीतिक हस्ती बन गई बेगम मिजाज से दयालु तेज आकर्षक कभी कभी अत्यंत उग्र हो जाने वाली थी बेगम ने लगभग 100 से ज्यादा यूरोपीय सैनिकों के साथ लगभग 4000 सैनिकों की सर्वोच्च कमांडर के रूप में अपना करियर शुरू किया और सरधना में दरबार लगाया बेगम समरू अपने समय की महान मीडिएटर भी थी वह अपनी सेना का नेतृत्व युद्ध में करती थी और कई युद्ध जीतती थी वो कई बार असहाय शाह आलम की मदद के लिए आगे आए सत्रह में बघेल सिंह के नेतृत्व में तीस हज़ार सिख दिल्ली पर आक्रमण के लिए तैयार थे बेगम समरू ने यहां मीडिएशन कर मुग़ल सम्राट आलम को बचाया इस जगह पर आज तीस हज़ारी कोर्ट कार्यरत हैं जब कमजोर बादशाह शाह आलम द्वितीय नजफ़ कुली खान के द्वारा भड़काए गए विद्रोह को दबाने की कोशिश कर रहे थे बादशाह की सेना विद्रोही नेता पर हमला करने में दगमगा रही थी तभी बेगम की सेना ने नजफ कुली खान और उसके आदमियों पर गोलियां चला दी। इससे नजफ़ घबरा गया और शाह आलम के साथ शांति स्थापित करने के लिए आग्रह किया शाह आलम बेगम की चाल समझ चुके थे और शाह आलम ने बेगम को अपनी सबसे प्यारी बेटी घोषित किया इतना ही नहीं बेगम के सौतेले बेटे नवाब जफरयाब खान के साथ सरधना की संपत्ति का विवाद था विवाद का निपटारा कर संपत्ति का अधिकार बेगम के नाम कराया यही कारण है दिल्ली दरबार में बेगम का बहुत सम्मान था 1806 में मुगल शासक अकबर शाह द्वितीय ने उन्हें लाल किले के पार एक भूखंड उपहार में दिया जहां उन्होंने अपना महल बनवाया जहां बेगम समरू नियमित रूप से पार्टियों की मेजबानी करती थी जिसमें ब्रिटिश अधिकारी भी शामिल होते थे बेगम सुमरू बेहद अमीर थी लेकिन बिना किसी वारिस के 1923 में उनकी विरासत का मूल्यांकन लगभग 55.5 मिलियन स्वर्ण मार्क था उनकी विरासत आज भी विवादित है बेगम का महल अब एक शैक्षणिक संस्थान में परिवर्तित हो गया है जिसे सेंट चार्ल्स इंटर कॉलेज के नाम से जाना जाता है अस्त होते मुगल काल में जब अंग्रेज़ दिल्ली पर कब्ज़ा करने बड़े तो बेगम ने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ कूटनीतिक मोर्चा खोल दिया था जनवरी 1837 में पिचासी वर्ष की आयु में अपनी रियासत की राजधानी सरधना में उनकी नेहसंतान मृत्यु हो गई लेकिन इतिहासकारों ने बेगम सुमरू को वह स्थान नहीं दिया जो अन्य विरागनाओं को दिया गया पोस्ट अगर पसंद आई हो तो लाइक करें प्रेसक्राइब करें और कमेंट जरूर करें दें